रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश के लिए मिलने वाला प्लेटफॉर्म टिकट इन दिनों कुछ स्टेशनों पर 50 रुपए में मिल रहा है। हालांकि इसकी सामान्य दर 10 रुपए रहती है। 5 गुना दर बढ़ाने के बाद कई स्टेशनों पर इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भीड़ कम करने के लिए दरें बढ़ाई गई हैं, लेकिन जयपुर मंडल प्रशासन ने इस विवादित कदम के बजाय स्टेशन पर विजिटर्स के प्रवेश को ही रोक दिया है। रेलवे के रतलाम और पुणे मंडल में इन दिनों प्लेटफॉर्म टिकट की बढ़ी हुई दरों को लेकर रेलवे को खासा विरोध झेलना पड़ रहा है। जयपुर रेल मंडल प्रशासन ने विवाद से बचने के लिए लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से ही जयपुर समेत मंडल के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी थी। यानी सभी स्टेशनों पर केवल यात्री ही प्रवेश कर सकते हैं। यात्रियों को छोड़ने या लेने आने वाले विजिटर्स के अंदर प्रवेश करने पर रोक है। दूसरी ओर रेलवे को इस फैसले से हर दिन 40,000 रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। दरअसल रतलाम पुणे समेत कुछ रेल मंडलों ने प्लेटफॉर्म टिकट की दर 10 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी है, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। ऐसे में उत्तर पश्चिम रेलवे और जयपुर रेल मंडल ने रेलवे बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक जयपुर समेत मंडल के सभी स्टेशन पर विजिटर्स एंट्री पर रोक लगा दी है। लॉकडाउन से पहले हर दिन औसतन 4,000 प्लेटफॉर्म टिकट बिकते थे, यानी हर महीने करीब 1,20,000 प्लेटफॉर्म टिकट बेचे जाते थे। रेलवे को इसकी बिक्री पर रोक लगाने से हर महीने करीब 12 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। गांधीनगर, दुर्गापुरा, अलवर, बांदीकुई, रेवाड़ी, फुलेरा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी नुकसान हो रहा है। अभी वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को भी स्टेशनों पर प्रवेश की इजाजत नहीं है। हालांकि रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बोर्ड जल्दी ही विजिटर्स की एंट्री के लिए एक योजना बना रहा है। जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी और स्टेशनों पर यात्रियों के परिजनों का प्रवेश कब तक बंद रहेगा, इस सवाल के जवाब में रेलवे CPRO अभय शर्मा का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए ही अनावश्यक लोगों के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश पर रोक लगाई गई है, जो बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक शुरू नहीं की जाएगी। यात्रियों के अलावा अगर दूसरे लोग भी स्टेशन आएंगे तो भीड़ बढ़ने से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो सकेगी। जिससे कोरोना का खतरा और बढ़ेगा। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।